तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप लोग अपना फाइन चेक करना चाहते हैं, किसी भी तरह का फाइन हो, तो अब आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट को क्रिएट किया गया है, जिसके जरिए से अब आप लोग चंद मिनटों में ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से आपके ऊपर कितने का फाइन आया है और कब आया है, क्यों आया है, आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन हो गया, या VPN का फाइन हो, या जो है आपको डाउट है कि कोरोना में हमको जो है पुलिस वाले ने पकड़ा था और मेरा एकामा लिया था, हो सकता है कि जो है हमारे ऊपर फाइन लगा दिया हमारे एकामा पे, तो आप लोग जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो है फाइन आ जाता है और उनको पता नहीं चलता है, उनके अफसर में भी नहीं बताता है, और जो है उनके फ़ोन नंबर पर मैसेज भी नहीं आता है, और वो लोग जब छुट्टी जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उनको जो है प्रॉब्लम पड़ता है या एग्जिट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, 2024 का जो अपडेट आया है, इसमें अब आप लोग आसानी से अपने किसी भी तरह का फाइन है उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं और आपको भी किसी भी तरह का डाउट है कि हमारे ऊपर हो सकता है किसी तरह का जो है फाइन आया है, तो आप लोग जो है चंद मिनटों में उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए और बने रहिए हमारे साथ में, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने गूगल में आ जाना है। तो चलिए अपने गूगल में हम आ जाते हैं। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले से हम जो है टाइप करके रखे हैं EFAASA। तो आपको भी यहाँ पर जो है EFAA को टाइप करना है, उसके बाद उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है पहले ही वाले ऑप्शन पे आपको जो है ओके करना है। तो चलिए इस पे हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल वायलेशन प्लेटफार्म यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपका जो है ये अरबी में आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज चेंज का, यहाँ से आप जो है अपने लैंग्वेज को चेंज करेंगे, यहाँ से इंग्लिश में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी जैसे कि इंग्लिश में है, तो यहाँ से हम ऊपर से कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, अगर आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आ गया है, कोई भी वायलेशन का फाइन आ गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना एकामा नंबर डालना है। एकामा नंबर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है बॉर्डर नंबर डाल देना है, जैसे कि पासपोर्ट में होता है बॉर्डर नंबर। उसके बाद यहाँ से वायलेशन नंबर आपको जो है डाल देना है जो मैसेज में आया हुआ है। यहाँ से आप जो है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर आप इंक्वायरी पे ओके करेंगे तो आगे का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जो है आपको आपका फ़ाइन है या नहीं आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया है, आपको शक है कि हो सकता है कि हमारे एकामे में फ़ाइन आया हो कोई भी चीज़ का, तो सिंपली आप लोग ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल एंड बिजनेस का ऑप्शन है, इस पर आपको ओके करना है। तो चलिए इस पर हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली हमारा जो है नफत ओपन हो चुका है। तो सिंपली आपको भी अगर आपके भी फ़ोन में नफत नहीं है तो उसको आप लोग जाकर वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अपने एकामे नंबर को यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए अपने एकामे नंबर को हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो आपको भी जो है एकामा नंबर को अपने डाल लेना है। डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है लॉगिन पे ओके करना है। तो चलिए हम लॉगिन पे ओके करेंगे। लॉगिन पे ओके करने के बाद में सिंपली आप लोग देख सकते हैं नफात की तरफ से मैसेज आ चुका है। यहाँ पर आपको जो है ये जो यहाँ पर आप लोग 19 देख रहे हैं, 19 इसको आपको याद करके रखना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपने नफात पे आ जाना है। तो चलिए अपने नफात पे हम चलते हैं। यहाँ पर अपने नफात को हम ओके करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर नीचे सिंपली एक्सेप्ट पे ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 19 यहाँ पर है, वहाँ पर भी जो है 19 था, तो सिंपली हम इस पे जो है ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर अपने नफात का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, द एप्लीकेशन इज रेडी टू रिसीव ए न्यू रिक्वेस्ट, ये हो चुका है। तो सिंपली आपको जो है बैक अपने पेज पर आ जाना है। पेज पे आने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा आ चुका है, ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा स्टेटस सब 0000 दिख रहा है। तो आपका कोई भी चीज़ का अगर फ़ाइन आया है तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आपका अगर मार्क्स का है या कोई आपके एकामे पे फ़ाइन है या कोई भी चीज़ का है तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है 2024 का जो अपडेट आया है, तो आप लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।